जब शादी के 1 महीने बाद ही रात को 11 बजे मुझे मम्मी पापा छोड़ आया था। मेरी बहन लिफ्ट लेकर के घर पहुंची थी। अगर उस रात वो मर जाती है कुछ हो जाता तो मैंने इनसे ये बात कही थी तो ये कह रहे चलो गलती होगी कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये गलती नहीं थी, यही गुनाह था तुम्हारा जो आज ये बात हो गई। उस दिन किसी और के हाथों से मारी जाती लेकिन आज अपनों के हाथ ही मारी गई है। कोई बात और दूसरी वजह अंबाले का ओंकार बिल्डर ओंकार सिंह जो अंबाले की आवाज करते हैं। आज से लगभग 10 दिन पहले हमारी गली में आया था कि साफ सफाई वास्ते ये नेता हैं, एक गंदे नेता हैं साले साले, इनकी इनकी बस पूछो मत क्या आंसू रोने पड़ रहे हैं, क्या दिन देखना पड़ रहा है ये हमारे जो आज हमारे को अपनी बहन के प्रति चक्कू से वार करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कल हमारी बहन के बयान हो रहे थे, इस बंदे ने ओंकार सिंह ने हमारी बहन को फोन कर रखे थे। ठीक है, और इसके देखो नाती पोतेला बंदा और हमारी बहन का जिसकी वजह से सब कुछ हुआ रात को। पता तो हमारे को परसों ही का था, 7:48 इसकी कॉल आई हुई है मेरी बहन के फोन पे। ठीक है, मैंने फोन चेक कर लिया था कल ही। कोई बात नहीं, ये गंदा इंसान है, ऐसे इंसान को बस वक्त ही जवाब देगा जी। और हम कुछ अब कुछ कर नहीं सकते, इस समय वक्त आने पर जवाब जरूर देंगे इनको। कोई बात नहीं, आज इसकी वजह से और अंकुर की वजह से मेरे ठालू वजह से शुरुआत मेरे ठालू से हुई है और अंत में ये फायदा ये लोग उठा रहे थे। कोई बात नहीं, आज हमारे घर की मरी है, लगेगा पता तुम्हारे को आने वाले समय पे क्या होएगा। ठीक है जी, मैं अपने माँ बाप से एक ही बात कहता हूँ, मुझे माफ़ करना और अपनी बहन से भी, ये बहन मुझे माफ़ करियो। अपने भाई से भी सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे से जो हुआ वो मजबूरी थी एक। कोई बात नहीं, पर एक दिन याद रखना अंकुर और ओंकार सिंह, तुमने जो करा ना हमारे साथ इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी वजह से जो हुआ है, हम तो कल के मरते आज मरते कोई बात नहीं, या पूरी जिंदगी जेल काट लेंगे, मरना तो सबने एक दिन। कोई बात नहीं, वह मेरी ग्राम नील से यही रिक्वेस्ट है, आज मैं वहाँ कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा या जिससे आपके दफ्तर पे कर दूंगा, कहीं भी सरेंडर कर दूंगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे हाथ से आपसे हाथ जोड़ के कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पर्चे दर्ज होने चाहिए। ठीक है जी, हमारा घर जल चुका है, कोई बात नहीं, वीडियो बनाओ भाई, चाहते थे 10 लाख रुपए ले लेते फैसले के लिए, जो कल मिल रहे थे हमने लिए नहीं, 10 लाख रुपए मिल रहे थे थोड़े जो। क्यों मारा आपने अपनी बहन को, क्या कुछ मामला था? भाजी मार दिया, वजह थी लड़के वालों ने इतना तंग कर दिया था, शादी के 1 महीने बाद ही मेरी बहन को मुसलमानों के पास छोड़ा था। सोशल मीडिया पर लाइव होकर आपने अम्बाला के कई लोगों का नाम लिया, क्या कुछ मामला है? वो नाम लिया बदला लेंगे जी, हमारी बहन मरी है। अंबाला छावनी में देर रात एक भाई ने अपनी बहन की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मौके से फरार आरोपी भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बहन के ससुरालियों से बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मदद मांगी। तो वहीं अंबाला छावनी के नामचिन लोगों का जिक्र किया जो उसकी बहन को फोन करते थे। इसके बाद आरोपी सरेंडर करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के निवास के नजदीक पहुंचा ही था कि वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। पुलिस के सामने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपी ने बताया कि उसकी बहन के ससुराल वालों ने उसको तंग कर दिया था और उसकी भांजी को नहीं दे रहे थे, जिसके कारण वो हताश था, जिस कारण उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने अपनी बहन के ससुराल वालों से बदला लेने की बात कही। हमारा घर जल चुका है, कोई बात नहीं, वीडियो बनाओ भाई, चाहते थे 10 लाख रुपए ले लेते फैसले के लिए, जो कल मिल रहे थे हमने लिए नहीं, 10 लाख रुपए मिल रहे थे थोड़े नहीं होते। क्यों मारा आपने अपनी बहन को, क्या कुछ मामला था? भाजी मार दिया, वजह थी लड़के वालों ने इतना तंग कर दिया था शादी के 1 महीने बाद ही मेरी बहन को मुसलमानों के पास छोड़ा था। सोशल मीडिया पर लाइव होकर आपने अंबाला के कई लोगों का नाम लिया, क्या कुछ मामला है? वो नाम लिया बदला लेंगे जी, हमारी बहन मरी है, कोई बात नहीं, भाई है जी अपने खास प्रेमी भाई है, कोई बात नहीं, हमारा बदला जरूर लेंगे, हमें विश्वास है जब मर जाएंगे तब भी हमारा बदला लिया जाएगा, हमें पता है। ओंकार सिंह का नाम ले रहे हैं, क्या कुछ मामला? ओंकार सिंह का फोन आया था, किसको? हमारी बहन के पास 7:48 पे कॉल आई है, व्हाट्सएप कॉल ना, फोन डिटेल चेक करा देंगे सबने आने पर। ठीक, मेरे को एक बार किस तरह से आपने अपनी बहन को मारा, मेरे को एक बार भी साहब के सामने ले दो जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारों से। ठीक है जी, हम भले गरीब हैं लेकिन मजबूर नहीं है जी, हाथ जोड़ के मिलते सबसे, बस जिस आपके सामने पेश करा दो एक बार। ठीक है जी, आपने अपनी बहन का मर्डर किस तरह से किया, क्यों किया? बस जी जिस बात जो बात थी आपको बता दिया जी। कितने चाकू मारे? ये तो गिने नहीं गए जी, मार दिए।
वहीं देर रात से ही बहन की हत्या के आरोपी की तलाश में भटक रही पुलिस को उस वक्त राहत की सांस मिली जब आरोपी को उन्होंने गृह मंत्री के निवास के पास से हिरासत में लिया। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए SHO थाना सदर ने बताया कि रात से वो इस आरोपी की तलाश में थे और आज सुबह इसको शास्त्री कॉलोनी के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो कुछ लोगों के नाम ले रहा था। इस मामले में भी गहनता से जांच की जाएगी। सुबह सुबह गृह मंत्री निवास के सामने से एक युवक को जो है वो हिरासत में लिया गया। क्या कुछ मामला? देखिए, ये आरोपी है, इसने रात अपनी बहन का मर्डर किया। भाई ने इसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज है। हमें सूचना मिली थी कि जो इस हत्या का वांछित अभियुक्त है वो साइड में घूम रहा है, तो हमने इसको वहाँ से हिरासत में ले लिया। सर, अपनी बहन की हत्या के क्या कुछ कारण इसने बताए हैं? देखिए, एक दो कारण इसने बताए हैं, उन कारणों पे हम जांच करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसने एक दो लोगों के नाम भी लिए हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मदद मांगी है, इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, प्रारंभिक जो पूछताछ है, प्रारंभिक से ये उस ग्रुप का नाम अपने आप को सोशल मीडिया पर चमकाने की नीयत से ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि ये कोई इतने बड़े अपराधी गैंग से जुड़ा हुआ। इसके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज? इसके खिलाफ मामले दर्ज है। सर, इसने अम्बाला छावनी के एक दो लोगों के नाम लिए हैं कि वो इसकी बहन को फ़ोन करते थे, क्या कुछ मामला है, कोई जांच में आया? हाँ, जांच में आया है, उस बिंदु पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करेंगे।